जालौन में अनुसूचित जाति के छात्र की मौत के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च शहर के जैन मंदिर चौराहा से गांधी पार्क तक गया निकाला। दोषी अध्यापक को फांसी की सजा देने की उठाई मांग। फिरोजाबाद शहर के जैन मंदिर चौराहा से गांधी पार्क तक 8 साल के बच्चे को शिक्षक द्वारा मार मार कर हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान उप कैंडल मार्च में शामिल लोगों का कहना था कि कैंडल मार्च जैन मंदिर से गांधी पार्क तक निकाला गया है। बताया गया जिला जालौन के एक विद्यालय में कक्षा 3 के अनुसूचित जाति के छात्र द्वारा प्रधानाध्यापक के मटके में पानी पीने के को लेकर इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। तो शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि बच्चे के दोषी हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए, जातिवाद भारत से खत्म किया जाए। फांसी न देने पर और लोग सड़कों पर उतरेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। आजादी चाहिए, मनुवादी आजादी चाहिए, मनुवाद से आजादी। सरकार निकम्मी है, कांग्रेस। मैं आपके नगर में बड़ा फैसला से मैं ये चाहता हूँ हम जो कैंडल मार्च लेके आए हैं जैन मंदिर से लेके गांधी पार्क तक, हम इसलिए लेके आए हैं जो 8 साल के जालौन से 8 साल के बच्चे को एक टीचर ने मार मार के उसकी हत्या कर डाली। और हम सिर्फ यही चाहेंगे कि इस भारत में जातिवाद खत्म किया जाए और हमारे जो 8 साल मासूम बच्चे को मारा गया उसके लिए न्याय दिला जाए और वो जिस टीचर ने मारा उसको फांसी दी जाए कड़ी से कड़ी सजा। और अगर इस फांसी नहीं दी जाएगी तो हम और लोग, अगर जातिवाद होता रहा तो हम और लोग उतरेंगे, रोडों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता शासन प्रशासन अगर हम लोग उतर आए तो। मैं सरजीव नगर वार्ड नंबर 5 से। किस संदर्भ में आप ये कैंडल मार्च निकाले? राजस्थान में जो जालौर जिले में 8 साल के बच्चे को बेरहमी से अध्यापक द्वारा मार मार के हत्या कर दी गई है, उस उपलक्ष्य में हमने कैंडल मार्च जैन मंदिर से गांधी पार्क तक निकाला। हम लोग ये चाहते हैं कि नन्हे से बच्चे को बेरहमी से जो मार मार के हत्या कर दी है उस अध्यापक को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हम शासन प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि उसको फांसी दी जाए।